परमिट का लेकर जाए जल्दी लाओ जाओ भाई जाओ जाने पैदल क्यों फिर रहे? आपके एरिया में नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हमारे। कौन सा एरिया है आपका? नामपल्ली में हम। नामपल्ली साहब कितना? चलिए। इधर इधर सर। चाइना से निकलकर सारी दुनिया में फैल चुका है और हमारे हिंदुस्तान में भी काफी तेजी से फैल रहा है और इसकी वजह से काफी लोग बहुत परेशान हैं। हम समझते हैं कि शायद इस 100 साल में कभी भी इतनी परेशानी नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं और ये लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे और ज़रूरी भी है। मैं तमाम आवाम से भी अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का अहतमाम करें, वो बाहर ना निकलें। आज मैं वक्फ बोर्ड ऑफिस आया हूँ, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब सलीम साहब और उनके तमाम मेम्बरान और हमारे मुकामी MLA हमारे मेरा जैसे साहब यहाँ पर एक 200 किट तैयार करके भिजाए गए। ये 2000 किट तैयार करके भिजाए गए मगर ये पहला एक कंसाइनमेंट है। आगे जो भी जैसा भी होगा वक्फ बोर्ड की मीटिंग में तय करते हुए जितना हो सके यहाँ के गरीब आवाम को मदद करने के लिए वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है और हुकूमत की जानिब से भी अभी मेरे भाई साथी ने कहा कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं तो हमारे CM साहब ने जिस दिन पहले दिन लॉकडाउन का ऐलान किया, कर्फ्यू का ऐलान किया, हेल्थ कर्फ्यू पहले दिन ही कैबिनेट में डिसीजन लिया गया। 87 लाख हमारे पास राशन कार्ड, हर राशन कार्ड पर एक महीने का राशन मुकम्मल फ्री देने का और 1500 रुपये, और बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है उन लोगों के लिए रेवेन्यू कहते हैं ये सिविल सप्लाई कहते हैं। 87 लाख राशन कार्ड पर मतलब 87 लाख फैमिली पर हर एक को एक महीने का मुकम्मल राशन, चाहे जिसके घर में 10 मेंबर हो 8 मेंबर हो, हर आदमी पर 12 किलो के हिसाब से राशन दिया जा रहा है। उसके अलावा जहां तक हो सके हुकूमत के करिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है बहुत परेशान है उन लोगों को भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत रेवेन्यू का MRO के तहत BRO के तहत वहां पर उनको 500 रुपये और राशन भी दिया जा रहा है 8 किलो, और उसी तरह हुकूमत जो राशन कार्ड होल्डर को 1500 रुपये के अकाउंट में भी दा रही। मगर ये चीज़ें डालने से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है, बहुत तकलीफ है हमारी आवाम में। जहां तक हो सके हुकूमत उनकी मदद करेगी और जो कई एक इदारे भी मदद करें। मैं सलीम साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का और उनके मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने एक पहला कंसाइनमेंट 2000 का भेजा। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड की मीटिंग के बाद जितना हो सके, मैंने अभी एक बात कही है वो भी कार्रवाई चल रही है, जितने इमाम और मौजन है उनके जो पैसे है बैलेंस है वो भी इंशाल्लाह सलीम साहब ने कहा कि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजाएं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी आज बात करूंगा, वो पैसे अगर उनको पहुंचाएंगे वो भी बड़ी मदद मिलेगी। यकीनन मैं तमाम आवाम से जो जो अपनी तरफ से वेलफेयर से मदद करें उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन इस वक्त हमें हर एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, हम जब लोगों से मिलते हैं तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं। इतनी गुर्बत की जिंदगी, इतनी परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग बीमारी से, सारे हिंदुस्तान और सारी दुनिया के लोगों को नजर दिलाया। हमारे स्टेट में भी हमारे CM साहब ने बहुत से प्रिकॉशन किए, बहुत फास्ट ट्रैक में लोगों को रोका जा रहा है, मतलब जहाँ फैलने की जहाँ भी कहीं भी एक फैमिली में किसी को पॉजिटिव आता है तो पूरे उन जिन लोगों से मिल रहे हैं जहाँ जहाँ गए वहाँ तमाम लोगों पर प्रिकॉशन टेस्ट किया जा रहा है और ये पूरा हुकूमत से फ्री हो रहा है। और मैं खास तौर से कुछ लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ जो अदर स्टेट जाकर आए, पहले भी मैं प्रेस नोट में कहा जो हमारा तेलंगाना छोड़कर कहीं पर भी गए, चाहे दिल्ली बोलकर नहीं है, कहाँ पर भी बॉम्बे जाइए किसी और स्टेट पर जाके उन लोगों के लिए फ्री टेस्ट करने का आप हेल्थ डिपार्टमेंट 104 को फोन करेंगे, आपको ले जाकर 4 घंटे के अंदर ही गांधी हॉस्पिटल में टेस्ट किया जाता है। टेस्ट कराने से प्रिकॉशन होगा, आपके बच्चों का, आपका फैमिली का, आपके महल लोगों का, तमाम लोगों का तहफ़ होगा। फिर एक बार मैं मीडिया के जरिए तमाम भाइयों से अपील करता हूँ कि आप कम से कम 4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बहुत एहतियात कीजिए, जितना हो सके लोगों से हाथ मिलाएंगे तो इमीडिएट हाथ धोने की कोशिश कीजिए। और हुकूमत यही चाहती है कि इसको जितना हो सके रोकथाम की पूरी कोशिश की जा रही है मगर जब तक आवाम प्रिकॉशन नहीं लगी वो रुकना नामुमकिन है। इसलिए तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ
कि आप बहुत अच्छा ताउन करें और भी ताउन सब काफी हद तक कोरोना वायरस हिंदुस्तान में फैलने के लिए काफी हद तक कोरोना वायरस हिंदुस्तान राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया मकोट के अंदर जिसमें करीब 2000 राशन किट खतरा को अपना हैदराबाद के जितने भी ग्रेटर हैदराबाद के एमएलए से उनके एरिया में 100-100 किट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। अभी एक साहबी साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पूरे तेलंगाना के अंदर लाखों की तादाद में बिलो पॉवर्टी लाइन के मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं मगर वक्फ सिर्फ 2000 पैकेट दे रहा है। ये मतलब नहीं है कि वक्फ 2000 पैकेट दे रहा। जुमेरात के दिन हम अभी बैठ के डिस्कशन कर रहे थे चेयरमैन साहब से होम मिनिस्टर साहब से भी मैंने कहा तो इंशाल्लाह ताला जुमेरात को एक बड़े पैमाने पे मीटिंग लेके मंशाय वक्फ के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो ये तरीके से अपना मंशाय वक्फ किए थे वो सब देखते हुए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2000 से बस नहीं होता। इंशाल्लाह ताला वक्फ बोर्ड आगे बढ़ के इसको हर आदमी को चूँकि ये जो अब जो बीमारी कोरोना वायरस की चल रही है वो ऐसा लगता है कि इमीडिएट उसका कुछ ख़त्म होने का अंदाजा नहीं है। दुनिया पूरी रुक गई है। अगर फर्ज करिए वक्फ बोर्ड इसमें मदद करता है तो मैं समझता हूँ खुलने के बाद भी लोगों को अपनी ज़िंदगी दोबारा चालू करने का मौका मिलेगा। उसके लिए उनको वक्त की दरकार है। अगर ऐसी हालात में हुकूमत तो मदद करी है मगर वक्फ बोर्ड बराबर आगे बढ़ के आना चाहिए जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वक्फ किया गया था उसके ऊपर पूरा पूरा अमल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन साहब से हुकूमत से और होम मिनिस्टर साहब से इंशाल्लाह इसके ऊपर वार फुटिंग पे काम करते हुए अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर बज़रूर वक्फ बोर्ड करेगा। मैं आवाम से अपील करता हूँ अपने अपने घरों में रहिए लॉकडाउन के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहिए। आज वक्त है चूँकि डे बाई डे यहाँ पर बढ़ते जा रहा है कोरोना वायरस का जो भी है समझा कल 62 केसेस आए हैं जो अच्छी बात नहीं है जिसको स्प्रेड होने का डर रहता। इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आपके तमाम चैनलों के जरिए दरख्वास्त करना चाहता हूँ हमारे AHN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे वक्त पर।